अनुभव गाइस, होप सो आप बढ़िया होगे। आपकी आफ्टर लॉकडाउन लाइफ जो है बढ़िया चल रही होगी। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं आया हूँ सरोजनी नगर मार्केट, क्योंकि आज की मेरी छुट्टी थी तो मेरे को घूमना था। मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि उसको कुछ काम था यहाँ पे, तो उसने बोला कि चलते हैं। मैंने बोला ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पे, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कैसे आफ्टर लॉकडाउन, मतलब कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे और कैसा दिख रहा है यहाँ का माहौल। सो क्या क्या नया स्टफ है लड़कियों के लिए, चलो मिलते हैं, बाय। सरोजनी नगर मार्केट में हम आ गए हैं। यहाँ पे देखो नया नया स्टॉक आया हुआ है और इतनी भीड़ है, इससे ज़्यादा की भीड़ यहाँ दिख नहीं रही है। पहले मैं खाऊंगा बहुत सारे, तब जाके कहीं जाके बात होगी। तो भाई जैकेट देखी थी यहाँ पे, पता ही वो बोला 1550 रुपये की। मैं तेरा दिमाग ख़राब है, वैसे तो लेनी तो थी लेकिन वैसे मजे लेते थे उसका। इधर है मेट्रो स्टेशन और भीड़ तो यहाँ पूरी प्रॉपर हो रखी है, क्योंकि मार्केट अभी खुली है। स्पेशली जब आए थे जब स्टार्टिंग में थोड़ी कम भीड़ थी, लेकिन अब पूरी हो रखी है। बाकी लड़कियों के कपड़े 100 रुपये में, 1500 में 15 जोड़ी, फुल मजे ले रही है। भाई मेन लाइन सरोजनी की, ये 100 रुपये की सेल, इधर भी 100 रुपये का सब, 80 रुपये का, बढ़िया यहाँ पे सब शॉपिंग कर रहे हैं। Only for try. ये परफ्यूम्स भी हैं, ये भाई दे रहा है गुच्ची के परफ्यूम, कितने का है भाई ये? 250। ये 250 का, बढ़िया स्टफ। लड़कियों के लिए ईयर रिंग्स वगैरह सब यहाँ पे है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या स्टफ आया हुआ है, कितनी भीड़ है और कैसे लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं। प्रिकॉशंस के नाम मास्क तो सबने पहन रखे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं भाई। सॉक्स वॉक्स सब, फूड साट ले लो भाई, एब्रोल सन्स। अरे इस दुकान पे चलते हैं। अभी मैं जिस दुकान पे गया था वो थी एब्रोल सन्स। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था आज से 4 साल पहले, तो मैं एक बार सरोजनी आया था, तो यहाँ से ना एक शर्ट ली थी और वो इतनी चली इतनी बढ़िया थी, मतलब बहुत लोगों ने उसकी तारीफ़ करी थी, तो इसलिए मैं देखने गया था। लेकिन अब वहाँ पे कुछ ऐसा स्टफ दिखा नहीं मेरे को, तो इसलिए मैं वापस आ गया। बाकी अभी थोड़ा मैं थक भी गया हूँ और अब बारी आई है कुछ खाने पीने की, तो अभी जाते हैं कुछ खाते पीते हैं। बाकी घूम तो रहे हैं, मज़े तो कर ही रहे हैं।
100 रुपये का ले लिया। ये है, अगर कपड़े गंदे वंदे हो गए हो तो इधर उधर पड़े मेरे, एक जगह डाल दो। यहाँ मिल रही है ये, कौन से बेरे भैया? झाड़ी वाले बेर। मतलब तो कपड़े इसमें गंदे डाल सकते हैं और रख सकते हैं। ऐसे मेरे कपड़े गंदे पड़े रहते हैं तो वो प्रॉपर मम्मी को पता नहीं चलते, इसलिए मैंने लिया है। समझ गई, 100 रुपये का, मात्र 100 रुपये। और कुछ भी तैयार मग लेना था मैंने। तू तेरे को चाहिए क्या? यार यहाँ कहाँ है मग की दुकान? ये भाई 350 रुपये के जूते, लड़कों के लिए टी शर्ट वगैरह का लोअर। अरे आगे जाके पकड़ियो, तो भाई अपन सरोजनी घूम के तो आ गए हैं। तो यहाँ तो अपने लड़कों के मतलब का तो कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ प्रॉपर भीड़ है और ऐसे कुछ है नहीं करोना वरोना का। बाकी लड़कियों के लिए अच्छा अच्छा स्टाफ था यहाँ पे, हर चीज़ 100 रुपये में। अब मेरे को पता चल गया कि लड़की इतने अच्छे अच्छे कपड़े कैसे पहनती, क्योंकि 100 रुपये का एक कपड़ा और 500 के पाँच, 500 के हमारे दो बच्चे नहाते। दिक्कत है यहाँ जीवन में। आ गए हम अपनी पार्किंग की तरफ, अब निकलने का है प्लान। रास्ते में कुछ खा पी सकते हैं, कुछ मन किया तो। चलो अब जो लेना था सब ले लिए, अब निकलने का हो गया प्लान। अब जाना है घर पे, क्योंकि अभी बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। और ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, और मिलते रहेंगे ऐसे आगे ब्लॉग में। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। ये बाय। तो अभी मैं आया हूँ खाने पीने के लिए कुछ। मैंने आने से पहले यहाँ पे यूट्यूब पे मतलब ऐसे गूगल सर्च किया था, तो यहाँ पे दिखाते हैं एक साई दही बल्ले। तो अभी मैं उसके बाहर खड़ा हूँ और ये देखो सबसे पुरानी दुकान साई दही बल्ले। तो अभी जाते हैं, इसे ऑर्डर करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी है इसका मामला, कितना टेस्टी है या ऐसे ही बस खाली नाम नाम है। नहीं खाओगे तो पछताओगे। साई दही बल्ले सबसे पुरानी दुकान, तो ये है इनकी दुकान का बाहर का बोर्ड। और ये बिल्कुल ऐसे मेन रोड पे पड़ती है और ये सबसे पुरानी दुकान, इस पर जाके मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। भैया हाफ प्लेट कर दो ये दही बल्ला, पपड़ी भी होगी ना उसमें? हाँ वो
हाफ ब्लेड में, हाफ ब्लेड 45 की है, बाकी फुल ब्लेड 75 की है। फिर देखो बस, देखा जाए तो इनकी दुकान में सही जुगाड़ हो रखा है। ये पेमेंट विंडो है, ये दिन की डिलीवरी विंडो है, और ये आ गई है, ये आ गया हमारा सही दही बल्ला। काजू भी है इसमें और दही बल्ला भी है, अनार भी डला हुआ है। दिखने में तो बड़े ही टेस्टी लग रहे हैं, लेकिन अब खा के देखते हैं कैसा है। Thank you.